As Finance Minister Nirmala Sitharaman presented the Union Budget for 2024 on July 23, Haryana Chief Minister Nayab Singh Saini lauded her and Prime Minister Narendra Modi for the budget. He said that the budget will fulfill the expectations of poor, women, farmers and youth. Further, a hopeful Nayab Saini said that the budget will write a new chapter for the creation of Viksit Bharat. Pradhan Mantri Sri Narendra Modi ji ke netritav wali एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट गरीबों, महिलाओं, किसानों व युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को फलीभूत करने वाला बजट है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह बजट विकसित भारत के निर्माण में एक नया अध्याय लिखेगा। मैं यह विकासोन्मुखी बजट प्रस्तुत करने के लिए माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस बजट में आने वाले वक्त में कृषि को अधिक लाभकारी बनाने, अर्थव्यवस्था को अधिक सुदृढ़ करने, औद्योगिक विकास को नई गति देकर अधिकाधिक रोजगार सृजन करने का विजन दिखाई देता है। बजट में फसलों की जलवायु के अनुकूल 32 कृषि और 109 बागवानी किस्मों के लिए कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। इससे कृषि प्रधान हरियाणा को बड़ा लाभ होगा। प्राकृतिक खेती के लिए 1 करोड़ किसानों को मदद देने का प्रावधान स्वागत योग्य है। प्राकृतिक खेती पर्यावरण के अनुकूल है, इससे बहुमूल्य जल की बचत होती है और आम जनता को शुद्ध भोजन मिलेगा। किसानों की रासायनिक खादों और कीटनाशकों पर निर्भरता न होने से उत्पादन लागत में भी कमी आएगी। बजट में दलहनों और तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने व इनके भंडारण व विपणन को सुदृढ़ बनाने की घोषणा से हरियाणा में फसल विविधीकरण को अपना रहे किसानों को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। इस बजट में एमएसएमई और विनिर्माण, विशेषकर श्रम विनिर्माण की ओर विशेष ध्यान देना स्वागत योग्य कदम है। एमएसएमई के क्षेत्र में विकास के लिए विभिन्न ऋण गारंटी योजनाएं और मुद्रा लोन को 10 लाख से 20 लाख करना छोटे उद्यमियों के लिए फायदेमंद साबित होगा। बजट में रोजगार से संबंधित 3 नई योजनाओं को घोषणाओं से देश में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। पहली बार रोजगार पाने वाले नव नियुक्त युवाओं को ईपीएफओ के जरिए 1 महीने के वेतन अधिकतम 15,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। विनिर्माण क्षेत्र में नव नियुक्त युवाओं और रोजगार देने वालों को ईपीएफओ में अंशदान के लिए प्रोत्साहित करना स्वागत योग्य है। सरकार बजट में नियोक्ताओं को ईपीएफओ को अंशदान के लिए 2 वर्ष तक 3,000 प्रति माह की प्रतिपूर्ति करेगी। गरीबों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने के लिए शुरू की गई पीएम सूर्य घर योजना का इस बजट में विशेष बढ़ावा देने की बात कही गई है। यह हरियाणा के गरीब परिवारों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। हमने इस योजना को सफल बनाने के लिए केंद्र सरकार की 60,000 रुपये की सब्सिडी के अतिरिक्त 40,000 रुपये की सब्सिडी राज्य सरकार को दिए जाने का प्रावधान किया है। कुल मिलाकर यह बजट समाज के सभी वर्गों के लिए कल्याणकारी, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला और राष्ट्र को विकास की नई बुलंदियों पर ले जाने वाला साबित होगा। मैं माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को यह बजट प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि पूरे देश में गरीब परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस बजट में 3 करोड़ नए स्वरूप में घर बनाने का निर्णय भी वो स्वागत योग्य है, जिससे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि हर सर के ऊपर छत देने का काम हमारी सरकार करेगी। उन गरीब लोगों को इस बजट के माध्यम से वो मकान बना करके देने का कार्य भी पूर्ण होगा। मैं इसके लिए आदरणीय निर्मला सीतारमण जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस विजन को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये बजट इस देश के विकास में और गति से आगे बढ़ने वाला बढ़ाने वाला ये बजट है। हर वर्ग की अपेक्षाओं के ऊपर, चाहे किसान है, गरीब है, युवा है,
व्यापारी है, हर वर्ग की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरने वाला ये बजट है। मैं इसकी पूरी पूरी प्रशंसा करता हूँ।